गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, कैसे हैं आप सभी लोग। होप आप सारे लोग बहुत ही अच्छे होंगे। आज की जो वीडियो है ये मैं किसी भी जॉब्स के बारे में आपको इस वीडियो में नहीं बताने वाला हूं और ना ही कोई फ्लाइट इन्फॉर्मेशन देने वाला हूं। आज मैं आप लोगों को इस वीडियो के अंतर्गत कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन और कुछ ऐसी चीज़ें बताने वाला हूं जो शायद आपको किसी और वीडियोज़ में ना मिले, ठीक है। तो वीडियो को पूरा देखिएगा एंड तक ताकि कोई भी वीडियो का पार्ट्स आपसे मिस ना हो सके। दरअसल हमारे कुछ भाई ऐसे हैं, किसी भी कंट्री से हैं वो, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, जॉब्स की वीडियो जब वो देखते हैं तो उन्हें लगता है कि जो बंदा जो जॉब्स की वीडियो बना रहा है या जॉब की इन्फॉर्मेशन दे रहा है तो वो उन्हें जॉब वो दिला सकता है। आप मुझे ही ले लो या किसी और यूट्यूबर्स को ले लो, मैं किसी को बेसिकली नाम नहीं लेना चाहता, आप किसी और यूट्यूबर्स को ले लो, सबकी कमेंट बॉक्स में जाके, सबके इंस्टाग्राम के मैसेज बॉक्स में जाके लोग यही मैसेज करते हैं कि भाई मुझे ये वाली जॉब दिला दो, ठीक है। तो मेरा उन भाइयों से कहना, देखो मेरा आप लोगों से कोई शिकायत नहीं है, मैं आप लोगों को कुछ समझाना चाहता हूँ। देखिए बात छोटी सी ये है, चाहे मैं हूँ चाहे एक्स वाई जेड कोई यूट्यूबर्स हो, जो बड़ा हो छोटा हो कोई भी हो, अगर आपको कोई इन्फॉर्मेशन दे रहा है तो आप उनकी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करो। कलेक्ट करने के बाद कन्फर्म करने की आपकी जिम्मेदारी होती है, ठीक है। मैं ये नहीं कहूँगा मैं 100% सही हूँ, ठीक है, क्योंकि अगर हम अपनी गलती नहीं अपने आप में नहीं देख सकते तो हमें बाहर वालों की अच्छाइयाँ नज़र नहीं आएंगी, ठीक है। तो सबसे पहले मैं ये कहूँगा कि आपको कन्फर्म करना है, उसके साथ ही साथ आपको किसी पर भी डिपेंड नहीं होना है, चाहे मैं हूँ चाहे कोई और हो, चाहे आपका कोई रिश्तेदार हो, चाहे आपका कोई जानने वाला हो। आप यूएई आने के बाद या फिर आप अपने इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, कहीं से भी हो, रेगुलर किसी के ऊपर डिपेंड नहीं होना और किसी से नाराज भी नहीं होना इस बात से लेके कि आपका वो सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। देखिए ये गल्फ कंट्री है, यहाँ पे सबके अपने अपने काम होते हैं, ठीक है, किसी के पास भी इतना टाइम नहीं होता कि वो आपके लिए करे। अगर कोई कर देता है तो वो बहुत बड़ी बात होती है, ठीक है। और ख़ास करके जो मिडिल क्लास लोग हैं, आप देखेंगे जो हाईएस्ट क्लास लोग होते हैं वो तो, यानी कि एक तरीके से नीचे वालों से, मुझे ऐसा लगता है कि जो हाई क्लास में उनके पास इतना टाइम नहीं होता कि किसी के बारे में सोचे भी, ठीक है। हम जैसे लोग ही होते हैं जो सोचते हैं यार अगर हम यहाँ पे आए हैं तो जो बंदा अभी अपने करंट सिचुएशन में जी रहा है, क्योंकि हम भी वही ज़िंदगी जी के आए हैं जो आप लोग अभी जी रहे हो, ठीक है। हालांकि यहाँ पे बहुत अच्छी ज़िंदगी नहीं है, लेकिन यहाँ की ज़िंदगी से ये हो जाता है कि हमारे जो अपने हैं उनकी ज़रूरतें हम कुछ हद तक पूरी कर सकते हैं, जिसकी वजह से हम लोग अपना घर, अपना देश, अपना गाँव छोड़ के यहाँ पर आते हैं। तो आप लोगों को समझना सिर्फ और सिर्फ ये है कि आपको किसी थर्ड पर्सन के ऊपर, यानी सेकंड पर्सन के ऊपर डिपेंड नहीं होना, सिर्फ आपको उनसे रिक्वेस्ट करनी। अगर वो आपसे कहते हैं कि अगर वो आपकी मदद कर देते हैं तो वेल एंड गुड है, अदरवाइज आपको ये नहीं कहना कि नहीं आप मुझे करो, क्यों नहीं कर रहे हो, आप किसी की हेल्प नहीं कर सकते, आप हेल्प करोगे ऊपर वाला आपकी करेगा, ठीक है, आपकी सारी बातें ठीक है कि आप किसी की हेल्प करोगे तो ऊपर वाला आपकी हेल्प करेगा, लेकिन बंदे के पास हेल्प करने के लिए वो वक्त भी तो होना चाहिए। अब मान लीजिए किसी कंपनी की जॉब वैकेंसीज हैं, कहीं से किसी को पता चला, किसी ने वीडियो डाल दी, मैं हूँ या कोई और, एक्चुअली मेरी बात हुई है कुछ यूट्यूबरों से तो उन्होंने बताया, तो मैंने कहा आज मैं इस टॉपिक की वीडियो बनाता हूँ, इसलिए मैं बता रहा हूँ। आप लोग सोच रहे होंगे मैं आज ऐसे बदल क्यों गया, बदला और कुछ नहीं, मैं कि आप लोगों से नाराज़ नहीं हूँ, मैं आप लोगों को सिर्फ समझाना चाहता हूँ, और ऐसा भी नहीं कि मैं बहुत ज़्यादा समझदार हूँ, जो मुझे सही लगा मैं सिर्फ वही आप लोगों से कह रहा हूँ। जो हमारे यूट्यूबर्स भाई, उनसे हमारी जो बात हुई, उनसे बात होने के बाद यही चीज़ निकल के आई कि भाई लोग कहते हैं, ऐसा नहीं कि हम लोग करना नहीं चाहते, करना चाहते हैं। मान लीजिए हमें कहीं से कोई वैकेंसीज़ के बारे में पता चला कि भाई ये वैकेंसीज़ हैं, हम लोगों ने आपको एड्रेस दिया या फिर ईमेल आईडी दी, आपको एड्रेस ईमेल आईडी मिलने के बाद आपको ईमेल आईडी एड्रेस मिल गई, अब आप वहाँ पर ट्राई करो, फॉलो अप वहाँ पर आप बराबर हो। लेकिन अगर आप लोग सोचते हो कि वो जो अब में से हमारे कुछ ऐसे भाई हैं जिनको ऐसा लगता है कि जो वैकेंसीज़ के बारे में लोग बता रहे हैं वो उनको पता है या उनके रिश्तेदार हैं या उनके दोस्त हैं तो वो वहाँ पे वो जॉब दिलवा देंगे, ऐसा नहीं होता यार। जैसे आप लोगों को हम बता रहे हैं वैसे हमें भी पता चलता है, तो हम लोग भी वहाँ से निकाल के आपको बताते हैं। ऐसा नहीं कि गलत होती, ट्रस्टफुल होती है, वहाँ पे आप जाके ट्राई करो, ठीक है, क्योंकि अगर वैकेंसी ऑफ द नंबर आपको ईमेल आईडी वगैरह दिया गया तो आप ट्राई करो। जो वर्किंग इंटरव्यूज़ होते हैं आप खुद से भी सर्च करो, ठीक है, किसी यूट्यूबर्स के ऊपर भी आपको डिपेंड नहीं होना, किसी पर्टिकुलर इंसान के ऊपर डिपेंड नहीं होना, आप खुद से भी सर्च करो। नहीं आती है आप किसी से हेल्प ले सकते हो, मांग सकते हो, वो आपकी हेल्प करे। अगर कोई आपको कुछ जेन्युइन चीज़ बता रहा है तो आप उस पर उसको चेक करो, उसको वेरीफाई करो, देन उसके बाद अगर जाना चाहते हो तो आप वहाँ पे वॉकिंग इंटरव्यू भी करो। वॉकिंग इंटरव्यू आप करते हो तो वहाँ पे कहीं ना कहीं काफ़ी चांसेस होते हैं कि जॉब मिल जाए। वैसे करेंट सिचुएशन में अभी थोड़ा सा कॉम्पिटिशन भी ज़्यादा है, साथ ही साथ अभी आने वाले समय में एम्प्लॉयर जो है वो हायरिंग भी कम कर रहे हैं,
तो अभी थोड़ा सा आने वाले समय में, क्योंकि नेक्स्ट मंथ में, साथ नेक्स्ट मंथ के फर्स्ट वीक में रमदान स्टार्ट है। अभी ये तो मार्च का, यानी कि आज 12th है, यानी कि ख़त्म हो गई लगभग, ये आधा मार्च गया। तो अभी 15 दिन बाद, 15-20 दिन बाद अभी रमदान स्टार्ट है। तो वैसे तो अभी फ़िलहाल तो कुछ नहीं होने वाला है, ज़्यादा क्वांटिटी में हायरिंग नहीं हो रही है, लेकिन आने वाला समय में होगी। ठीक है, तो आप अपनी कंट्री से हो तो आप अपनी CV वगैरह अपलोड करो, और हाँ, उनसे सावधान रहो जो आपसे पैसे मांगते हैं। गाइस, ये मेरी एक ज़रूरी इन्फॉर्मेशन आप लोगों तक पहुंचानी थी, कि उनसे सावधान रहना जो पैसे मांगते हैं। क्योंकि मेरे से लोग क्वेश्चंस करते हैं कि भाई मेरे से पैसे मांगे जा रहे हैं, या 2000-3000 दिरहम के हिसाब से किसी को भाई कोई पैसे नहीं देने। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं, कहीं पर कोई पैसे नहीं मांग जाते, आप कहीं भी कोई भी आपसे पैसे की बात नहीं करता। तो एक छोटा सा वीडियो था, आई होप आप लोग को वीडियो समझ में आया होगा। वीडियो छोटा का थोड़ा सा लंबा हो गया है, लेंथ थोड़ी लंबी हो गई है, तो आई होप आप लोगों को समझ में आए। अगर समझ में आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और खुद पे डिपेंड रहो, और खुद पे ट्रस्ट करो, और खुद पे बी कॉन्फिडेंट रहो। ठीक है गाइज, तो मिलते हैं अगली वीडियो, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।